स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में राव के पूर्व विधायक जीतू जुराथी बोलते बोलते रो पड़े। अटल जी की स्मृतियों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गई। देखिए रिपोर्ट। हमारे देश में हम सब बीच में ये हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराथी, जो मंगलवार को अपनी विधानसभा के गांव पीपलदा में आयोजित एक कार्यक्रम में भावुक हो गए। दरअसल यहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की याद में अन्नदान का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अटल जी को याद करते हुए जुराथी की आंखें भर आईं और वो संबोधन के दौरान खुद को रोक नहीं पाए। हम सब लोग कृतज्ञ हैं, हम सब लोग भावभीनी श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर सही में आपकी कोई परंपरा ऐसी है कि आप पुनर्जन्म देते हैं, आप फिर से अगर जन्म देते हैं, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारे देश में हम सबके बीच में भेजना। और अटल जी से हम आग्रह करते हैं कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आएंगे। और अटल जी से हम आग्रह करते हैं कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आएंगे। और अटल जी से हम आग्रह करते हैं कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आएंगे। और अटल जी से हम आग्रह करते हैं कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आएंगे। धन्यवाद जीतू भैया ने भावुकतापूर्ण जो श्रद्धांजलि अर्पित की, जिस भावुकता की मैं बात कर रहा था, भावुकता के वाजपेयी जी और उनके पीछे कदम ताल मिलाकर उनके पदचिन्ह पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जुराथी जी ने जो अटल जी की याद में अन्नदान कार्यक्रम में जुराथी बोल रहे थे कि देश में जितना किसानों के भले के लिए अटल जी ने किया है, उतना किसी और नेता ने नहीं किया। साथ ही पोखरण विस्फोट का उदाहरण के जिक्र करते हुए जीतू जुराथी ने कारगिल युद्ध की विजय पताका की कहानी भी याद दिलाई। इसी दौरान वो खुद को रोक नहीं पाए और बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई और वे बोले, ए जाने वाले, हो सके तो लौट के जरूर आना। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर सही में आपकी कोई परंपरा ऐसी है कि आप पुनर्जन्म देते हैं, आप फिर से अगर जन्म देते हैं, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमारे देश में हम सबके बीच में भेजना। और अटल जी से हम आग्रह करते हैं कि वो जाने वाले हो सके तो लौट के आएंगे। इस ग्रामीण परिवेश के आयोजन में ग्रामीणों ने भी अटल जी को किसान विकास का प्रेरणा बताया और उनकी स्मृतियों के सम्मान की बात कही। देखिए साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे प्रेरणास्रोत थे, हमारे मार्गदर्शक थे और हमारे आशीर्वाददाता थे। अटल जी ने जो योजना गांव ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई वो बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही शानदार योजना चलाई, क्योंकि ग्राम सड़क योजना किसान को सबसे पहले अगर ज़रूरत रहती है तो गांव में सड़क की रहती। दूसरी बात, पहले जो था क्रेडिट कार्ड वो व्यापारियों को मिलता था, ये किसान को जो क्रेडिट कार्ड मिला है इसमें भी पूरी पूरी जो भूमिका है, पूरी जो देन है, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की है। अटल जी जो थे वो ग्रामीण परिवेश में थे, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के वो अच्छी तरह से जानते थे किसान की क्या हालत रहती है। आज जो हमने श्रद्धांजलि दी, उनका जो प्रेरणा हमको मिली, उनका जो हमें मार्गदर्शन मिला और उनके द्वारा जो नदी से नदी जोड़ने का कार्यक्रम है वो हमको अनुकरणीय लगा और उससे किसान की जो उन्नति बढ़ेगी, किसान का जो उत्साह था वो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। ऐसे हम किसान भाइयों ने सोचा कि गांव पीपलदा में क्यों ना ऐसे महापुरुष का, ऐसा राष्ट्रभक्त का और ऐसे अनुकरणीय नेता का हम यहां पे तेरवी मनाएं और श्रद्धा सुमन अर्पित करें, यह हमारा सौभाग्य रहेगा। कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता मौजूद थे, जिन्होंने बारी बारी से देश हित में अटल जी के लिए किए गए कामों को गिनाया। इस मौके पर पूर्व आईडी अध्यक्ष मधु वर्मा, रवि रावलिया, मनस्वी पाटीदार, महेश चौधरी, शिव डिंगू, अंकित परमार सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, राऊ।